कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने आज बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया तो तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया। राहुल की यह पहली चुनावी रैली थी। राहुल गांधी ने ये कहा कि बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए, उस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया। सवाल ये है कि लद्दाख मैं गया हूँ, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा पर बिहार के युवा अपना खून पसीना देकर जमीन की रक्षा करते हैं। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा जमीन की रक्षा करते हैं। चीन हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर देता है और हमारी जमीन पर कब्जा करता है, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोलकर हिंदुस्तान की सेना का अपमान कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद नहीं की है, यही सच्चाई है। कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जवाब देगा। रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन थाने और ब्लॉक में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। कोरोना काल में नीतीश कुमार अपने आवास में ही रहे, यहां तक कि वो बाहर भी नहीं निकले। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार का 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा, लेकिन सेंट्रल की टीम भी नहीं आई, कोई नहीं देखने आया। नीतीश जी 144 दिन घर के अंदर ही रहे, लेकिन अब वोट चाहिए तो बाहर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार पलायन को रोक नहीं पा रहे। नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे, पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर, अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगते रहे। बताओ निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था। ये 2000 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक, एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चलत रही 1500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहता रहे कि जो जहाँ है वहीं रहो, बोले थे कि नहीं बोले थे। अभी बाढ़ आया, बताओ 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा, सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का अरबों रुपया बाहर जा रहा है। 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी, आप जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं।
बाहर का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग होशियार हो, हमसे कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि रोजगार देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ का है। नीतीश जी केवल 60% ही खर्च कर पाते हैं, बाकी 80,000 करोड़ तो है ही। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%। 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ पैसा तो है ही है। लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी, बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदाधिकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग, लेकिन 10,00,000 सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इस पैसे से लोगों को रोजगार दे, हमारी सरकार बनी तो हम तुरंत ही 10,00,000 सरकारी नौकरियां देंगे।